Talking about fabrics, fabric patterns are generally some of the velvets and damask are found on, on, on their fabric. Sometimes you can find some checks as well, but the polish plays an important role. These days, people are incorporating a lot of wicker, distress finish, and also faded polish as well. This video is going to surprise you with some amazing and very, very gorgeous looking furniture units.

how and what is the process who are the people involved in experimenting and what kind of process it goes through matlab kaise hum experiment karte hain kon log hain jo karte hain jab hum fabric basically kar rahe hote hain we go with the polish kya pehle polish kya kar rahe hain अच्छा then उसके बाद नो नो व्हाट आई मीन बेसिकली कोई टीम है टीम हम सारे बैठते हैं अच्छा इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन की एक अकेला पर्सन कर रहा हो अच्छा इट्स अ टीम टीम सारी फैक्ट्री टीम इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन जो फैक्ट्री चला रहा हो इवन जो फैब्रिक लगाता है हुँ. वो भी हमारे साथ बैठता है जब हम फैब्रिक सेलेक्ट करता है कि ये इसकी थिकनेस ठीक है या नहीं ठीक है ये चीज़ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी सो एवरी पर्सन डिजाइनर से लेके आपके जो डायरेक्टर्स है इवन दे सेट कि ये चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही तो एवरी पर्सन इज उस टाइम में बैठे होते हैं एवरी पर्सन इज डिसाइडिंग वी शार्टल्ट उसके बाद फिर हम फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं लास्ट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाते हैं हाँ ये चीज़ ठीक है तो वो

जहां पे वहां पे जरूरत होगी हम डिटेलिंग में yes, जाएंगे exactly. जो नए प्रोडक्ट हैं फॉर एग्जांपल दिस दिस ये हमने अभी न्यू ऐड किया था आर्टिफिशियल आपको रेगुलर किसी ने फिट इन आ आ हो तो उसके लिए हमें पहले साइजेस चाहिए होते हैं किसी को तो वो भी रेडी हो जाता है

बहुत फिनिशिंग uh, में हम थोड़ा कोटिंग्स भी करते हैं जो अच्छा। हम करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके स्टेन्स नहीं पड़ते हैं अगर आप वाटर स्टेन्स की बात करो नॉर्मल ग्लास रख दो तो उसमें कोई स्टेन्स नहीं पड़ते हैं सो इट इजी मेंटेनेंस कि आपने नॉर्मल वीनियर भी रखना है तो आपको चाहिए। with, रखो एंड यूज करो उसको जैसे तो मर्जी

एंड टिपिकल फ्रेंच जो ये डिज़ाइन है

So well. And the major role is played by the wood, I guess. Yeah. The finish. Uh, aapke wood. प्लस वी प्रेफर लेदर ऑन द प्लेसेस जहाँ आपके हाथ लगने होते हैं इजी मेंटेनेंस अगर आपको चेयर पे यहां पे खींचना है तो आपको कोई ये नहीं है कि सोचना पड़ेगा okay. कि वो लगाया हुआ आपका जो कहीं बच्चा भी रगड़ता रहे क्लीन तो करना आपको ईजी हो जाए गो वे समिंग जो आपका इजी मेंटेनेंस इजी लाइफ एंड देखने में अच्छा हो ठीक है या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ दिस इज आल्सो अ लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटल या है ना ये आपका क्लासिकल प्लस मॉडर्न का फ्यूजन है ये भी अगेन हम्म mm. इसमें भी हमने फ्यूजन में प्लेस किया है जी विद द फैब्रिक एंड एवरीथिंग कि आपका क्लासिकल एंड फ्यूजन में मिक्स ही रही है जी uh, जो चेयर्स है ना बेसिकली एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉंग दिस इज मिड सेंचुरी मिक्स्ड एंड अ लिटिल बिट ऑफ है ना मिड सेंचुरी मिक्स किया है और फ्रेंच हमारी यूनिट्स के अंदर यस एक्जेक्टली ओके वी विल गो वी विल गो टू द नेक्स्ट वन

आई थिंक दिस यूनिट डिजर्व लिटल मोर अटेंशन ना ना अभी आप पहले फेबरिक बता दें फिर हम कुछ और हाँ, पूछेंगे आपसे। तो so इट्स पे भी हमने अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तब हमने यहाँ पे लेदर नहीं किया होता है जी कि वहाँ पे आपको फिर बहुत वो इश्यूज आते, आते हैं इश्यूज आते हैं इसलिए हम यहाँ पे फैब्रिक करते हैं आदर, आदर लेदर आइदर लेदर राइट तो उस हिसाब से हमने ये वुड टीकी रहती है अगर बाहर की बात करें वो डगे ठीक रहती है पॉलिश आपकी चॉइस है थोड़ा सा वहाँ पे टेस्ट लोगों का लाइट कलर्स में ज्यादा है जी सो so, उस हिसाब से हम पॉलिशेस रखते हैं थोड़ा लाइट टोन्स विद जो लाइट एंड डार्क का थोड़ा मिक्स हो बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो हल्का सा गोल्ड का एक्सेंट है Yeah. Is it done with the help of a uh, uh, brush? The brush? Yeah. Hand okay. Can't be. Main. It can't be machine work. No, machine से नहीं किया. Machine से इधर shading चाहिए तो वो थोड़ा फैल जाता है. बहुत अच्छा. तो ये आपके hand से ही करना पड़ता है. So it's Such brushing, hand brushing से किया हुआ है ये Beautiful. I think this deserves <laughs> If there's an Oscar for <laughs> furniture <laughs> manufacturing, then I think this is the deserving one. Yeah. You know, you must have seen there's a there's a level of excitement in my voice when I when mean, I come to your store, right? Yes. Because I love French furniture. I mean honestly I just love it. No matter mm -hmm. what people say, that, but I think classic furniture in French finish, uh, nothing can be. In India now paper logon like that. क्योंकि hmm. तो पहले लोग थे इट्स बूढ़ी बूढ़ी दे डोंट वांट वुड की फ्लोरिंग भी वुडन हो गई है ग्लासेस भी हो गए दे वांट अब यार यहाँ पे क्या करें है फ्लोरिंग वुडन पे चले गई है हमारी शेड्स लग गई है हमने ग्लासेस की जगह हमने वुडन करा हुआ समथिंग hmm.

अगर हम देखें तो आर्म्स थोड़ा सा अनईजी तो नहीं हो जाता लोगों को मतलब आ, मुझे तो नहीं लगता पूछ रहा नहीं ऐसा नहीं होता आपके डिपेंड करता है कि सेटिंग हाइट कितनी, कितनी है आर्म हाइट्स कितनी है अगर आपके आर्म आप हाइट्स ऐसे जा रहे हैं इट्स कंफर्टेबल अगर ऊपर जा रहे हैं इट्स अनकंफर्टेबल तो आपके प्रपोर्शन कंफर्टेबल होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन आपके अगर वुड है

रूम छोटे हैं, यू कैन गो फ्रेंच आपके रूम लाइट्स दिखेंगे अच्छा। अगर आपकी वॉलनेट uh, फिनिश है, है इस पे भी रखोगे तो चल जाते तो आपको कोई सोचना नहीं पड़ता कि ये चीज हमें कहां पे अच्छी लगेगी लगे। right. तो yeah. देखेंगे अब हम डाइनिंग टेबल है इस पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया टू पॉलिशेस नीचे फ्रेंच ऊपर वॉल विद आपके इंग्लिश फैब्रिक्स और साथ में हमने स्वेड लिया इस बार ओके okay. मतलब पहले फैब्रिक में में थे और भी पॉलिश भी, हमने पॉलिश भी में कर दिया वाओ ये हम पहले भी बनाते थे डाइनिंग टेबल विद इस डाइनिंग का फायदा ये था कि दो फ्रेम्स में बनता है कल को किसी को केन नहीं चाहिए आपका केन रिमूव हो जाता है अगेन आपका नॉर्मल टेबल की तरह यूज कर सकते हो अच्छा ठीक है तो वो आपका एक बार ही होता है कि लाइफ टाइम के लिए आपको कभी केन हटाना है पटाओ चेयर्स में भी अगेन आपको आज केन है कल को इफ यू वॉन्ट फैब्रिक तो आपके केन हटके फैब्रिक आ जाता है

हाँ अगर किसी को ये होता है कि हमने वॉलपेपर्स नहीं करने हैं सीलन आती है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप उनको कलर्स में प्ले करना होता है ये एंट्री पे या डाइनिंग के एरिया में अगर आपको दिखाना है यू कैन गो विद बट बट जो जो फ्रेंच फर्नीचर यूनिट ले रहे हैं उनके घर में सीलन की उम्मीदें बहुत कम होती है कम होती है, है। ना मुझे लगता है अब तो बहुत ट्रीटमेंट्स आ गई है इस चीज़ के लिए बिल्कुल

So, ये भी एक भी एक आर्टिकल था हमने न्यू पॉलिश एक्सपेरिमेंट किया है so, टॉप पार्ट आपका है। है। बॉर्डर आपका मेटालिक गोल्ड टाइप है बट ब्राउन टोन बेस इसका, इसका वाइट था विद इसमें थोड़ा सा ब्राउन टेंच कर ताकि वो ताकिनेट को अगर वॉलट फर्नीचर बेड वॉलट ड्रेसिंग में ये ले रहे हो तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे बहुत अच्छा लग रहा है

ठीक तो तो है हिसाब से हम फैब्रिक करते हैं सारे फिर बैठ लेट्स गो टू द फर्स्ट वन देखिए अच्छा कि एकदम आपको स्टेयर्स में ब्लैंड ना दिखे hmm. थोड़ा ब्रेक आ जाए इसलिए हमने इसको वॉलपेपर कर दिया था चलिए सो वी हैव कम टू द फर्स्ट फ्लोर नाउ यस ऑल लाइट्स आर ऑन आई गेस सो नो हां जी नहीं मैं कर दूंगा ओके सुपर्ब वी हैव मेड चेंजेस वी हैव मेड इट अ लिटिल लाइट आई गेस या क्लाइंट का बनाते थे एक अपना बनाते थे राइट राइट ओके दैट्स अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है ना

ठीक कर सकते है इस पे भी ये ऑर्डर का है, डिस्प्ले का, का बना रहे थे हाँ, इसकी चेयर्स अभी रेडी हो रही हैं हाँ। वो में अभी. अच्छा, <laughs> <laughs> तो वो okay. भी कुछ टाइम बाद ऐड हो जाएंगे right. yeah. अभी, में. अभी yeah. कहां चल रहे हैं अभी ये सेम पॉलिश जो हमने नीचे देखी थी अच्छा कॉपर में यस कॉपर एंड ब्लैक सेम आपकी पॉलिश है So hmm. we'll talk about that. Or you want to talk now? Like, how do you deal with uh, with clients whenever when they call you? Because uh, they're totally confused about the price. हाँ, prices का uh, clients पूछते हैं, but hmm. जब तक आप client यहाँ पे आता नहीं है, hmm. या कुछ देखता नहीं है, तब तक we can't कि client को होता है कि इतना price क्यों है? Hmm. So we prefer client की एक बार यहाँ पाओ, hmm. देखो,

तो इसमें आपको प्रॉपर ग्रे भी नहीं दिखता hmm. आपको हल्का हल्का ब्लैक कट इंच hmm. प्लस एक कॉपर का मतलब सॉरी दैट सिल्वर कट इंच दिखता है इसमें चलिए ठीक बात है yeah. आ, कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक पॉलिश जो हमने देखा यू नो बट वी डोंट हैव अ सोफा राइट नाउ द सेम कैन बी कैरीड फॉरवर्ड आपको उससे रिलेटेड प्लस पेंट्रेस से कोई आपने निकाला है वी क्रिएट द सैंपल्स हम खुद

हमें होता है कि हम कर लेंगे बट क्लाइंट के ऑर्डर्स पे हम चीज़ ना एक्सपेरिमेंट करें अपने जितने एक्सपेरिमेंट्स हम कर लेंगे तो हम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट करना कुछ नया क्रिएट करना फिर वो देख के क्लाइंट को आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ क्योंकि जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं वो एक तरह से लिमिट होती है कि क्लाइंट्स उस तरह से नहीं सोच सकते वो शायद अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो बट यहाँ पे आके उनको दे नीड अ कंसल्टेंट कि हाँ मुझे ये चीज़ कैसी लगेगी तो हमें उसके लिए सैम्पल्स बनाने पड़ते हैं पहले

Hmm. और इस पे कलर आपका रेडिश एंड ब्राउनिश का मिक्स है ओके okay. तो ये थोड़ा हमने डिफरेंट पॉलिश करा था जी अगेन ये आपका थर्ड फ्लोर आ गया hmm. इस पे भी हमने डिफरेंट पॉलिश के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है okay. ओके अगर आप ये बेड का साइड टेबल देखोगे hmm. इट्स की टेबल का जो टॉप है साइड टेबल का टॉप दैट इज रेडिश मेरून टेंच में wow. और जो बेस है दैट इज ग्रे की टोन में सुपर गुड तो ये आपके दो पॉलिश का मिक्स है कोई इमेजिन मैं मैरून एंड ग्रे तो कोई मानेगा नहीं

आपका नीचे सोफा देखा था mm -hmm. उसे का पैटर्न उठाया था uh, डिजाइनिंग जिसमें चेंज करवाई थी हमने mm -hmm. थोड़ा सा

<coughs> जो बेसिकली uh, सहारनपुर से जिसका होता है इंडिया में, very, very लेबर कैसी है हुँ। हमारे भी जो लेबर ऑलमोस्ट है वो यूपी सहारनपुर उसी साइड की है। अच्छा। उनके काम में भी वो टेंच होती है कि हल्की सी क्योंकि वो लेबर बहुत थोड़ी है। होते हैं वहाँ के पर्सन होते हैं तो आपको उनको कार्विंग बतानी पड़ती है कि ये चीज हमें इतनी ही चाहिए इसको और गहरी मत करना बड़ा बेसिकली कि जो फ्रेंच कार्विंग है

बर्नर्स okay. आते हैं uh -huh. छोटे बर्नर्स को लेकर आपको बेस को पेंट करके उसको uh -huh. आप जलाना पड़ता है अच्छा। फिर आपकी ये मतलब ये वाला पॉलिश का एक आपकी यहाँ पे दैट इज मिंट टिंच में है। एक मिनट लेदर <laughs> ये आपका जकार्ड नहीं है uh -huh. पैटर्न जकाड है फील वेल्वेट की है एंड पीछे आपका प्योर लेदर है प्योर लेदर के साथ प्योर लेदर के साथ सो हमें थोड़ा लेदर पसंद है

कलर की बात कर रहे हैं कलर की बात एग्जैक्टली जी और जो नीचे कलर है वो टोटली डिफरेंट है वो आपका वो ग्रे विद ब्लैक का टंच थोड़ा सा आप देखोगे तो उसमें ब्लैक की ब्रशिंग है बेस हमने ग्रे दिया था ठीक है थोड़ा सा ब्लैक को ब्रश करके I just liked it. Very nice. Very small, yeah. <laughs> tiny. Huh? You call ड्रेसिंग की अगेन किसी अगर

I remember there was a video also shown to me, and people were so happy and yeah, yeah. okay, yeah. <laughs> thank you very much. Yes. We'll see you very soon, and thanks a lot for bringing out such beautiful designs <laughs> with so you. much of dedication thank and you hard so much. work <laughs> and not many people can do this right, <laughs> yeah. no? right? okay, okay thank, thank you. you very much thank you so much sir.